देखिए ये राधा रानी की परिक्रमा है, बरसाना बरसाना बुला। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा। राधे राधे गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। मतलब राधा और कृष्ण भगवान की मूर्ति काफी खूबसूरत है गाइस, और मंदिर बहुत ही अच्छा है, मंदिर है। कृष्ण भगवान राधा जी से मिलने आते थे, छोटा सा बच्चा था ना, इस तरीके से मुझे लाड़की। तो राधे राधे गाइस, मैं आ चुका हूँ बरसाना में, और मैं अभी इस वक्त बस स्टैंड पर खड़ा हूँ बरसाना के। ये देखिए बस स्टैंड बरसाना, तो बस यहाँ से हम चलते हैं। तो गाइस गोवर्धन पर्वत से बस में बैठा था तो मुझे डायरेक्ट बरसाना बस स्टैंड छोड़ दिया बस ने, और सिर्फ मात्र 20 रुपये लगे मुझे यहाँ तक आने के लिए। तो बस यहाँ से मैं परिक्रमा मार्ग पे हम चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे राधे राधे बाबा मिल गए हैं। देखिए राधे राधे बाबा है ना, राधे राधे। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग भंडारे में जा रहे थे महंत जी के पास, प्रोग्राम है आज राधा जन्माष्टमी राधे, और बारिश शुरू हो चुकी बरसाने में है ना। राधा जी का गांव, मतलब राधा जी का वास है यहाँ पर, ठीक है। राधा मैया का जन्म हुआ था यहाँ पर, ठीक है, बरसाने में। तो देखिए यहाँ पर हम मंदिर चल रहे हैं। राधे राधे, और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो गाइस आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो राधे राधे, देखिए मंदिर का रास्ता, और गाइस ये बस स्टैंड के पास में ही राधा रानी का मंदिर बना हुआ है, और ऊंचाई पहाड़ी पर 108 पेड़ी है। तो हम चल रहे हैं अभी। आज कल भी बिल्कुल बारिश नहीं हुई, बहुत गर्मी थी, बट आज बारिश हो गई क्योंकि कल जन्माष्टमी है। गाइस ऊपर दिख रहा है मंदिर, हमें बस नज़दीक ही पहुँचने वाले हैं मंदिर। बस गाइस राधे राधे का नाम लेते चलिए, मतलब मग्न हो जाइए यहाँ आए तो। बस बाकी तो फिर समझ ही गए सब, राधे राधे। बहुत लोगों से गाइस मैं मिल रहा हूँ यहाँ पर, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब कल राधा वल्लभ मंदिर में मैं मिला था तो एक दीदी ने, मतलब अरे यार काफ़ी अच्छा लगा गाइस मुझे। तो अगर वो दीदी फिर से मिलेंगे तो मैं ज़रूर मिलाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो हम बरसाना आए हैं और राधा जी के मंदिर में चल रहे हैं। देखिए काफ़ी लोग चल रहे हैं, और यहाँ की परिक्रमा भी होती है गाइस। मंदिर की गली में आ चुके हैं, देखिए राधे राधे। गाइस मतलब है ना, वृंदावन और बरसाने मथुरा सब जगह की एक जैसी गली है, और सब में ही आपको भीड़ मिलेगी गाइस। चलिए तो चलिए राधे राधे। और दुकानें वगैरह खुली है। राधे राधा जी राधा जी का रास्ता, तो राधा जी के मंदिर के लिए हम यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो गई, राधा जी की अटारी। तो चलिए राधे राधे का नाम लीजिए, ठीक है। काफ़ी भक्त लोग आ भी रहे हैं दर्शन करके और जा भी रहे हैं। देखिए राधे 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 राधे। यहाँ पर मतलब काफ़ी भीड़ होती है यार, ऐसा लगता है कि मतलब छोटी जगह है, काफ़ी भक्त लोग आते रहते हैं यहाँ पर। राधे 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 राधे। राधा जी की अटारी पे चल रहे हैं, ऊपर चलते हैं सब धीरे धीरे, पर जब लौटते हैं तो दौड़ के हंसते हुए लौटते हैं। राधे 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 राधे। तो गाइस इतनी फेरी तो हमने चल दी, और भी है ऊपर, देखिए चल रहे गाइस। तो राधे राधे गाइस, राधा जी की अटारी बस पास में ही है, और कुछ दूर मतलब पास में ही है, और
प्रसादों की दुकान तो नीचे से ही शुरू हो चुकी थी भाई, बहुत पेड़ी है यार गाइस, 108 से तो ज़्यादा ही है। राधे राधे, श्री लाडली जी महाराज बरसाना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बट इतनी सी सीढ़ी और बची है। तो राधे राधे, गाइस हम पहुंच चुके हैं राधा जी का। हाँ राधे राधे, राधे राधे, राधे। तो गाइस थोड़ा सा और, जय, क्या बात है, देखा राधा रानी के पास आओ। जय हो राधे राधे। चलिए राधे राधे, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है यार राधा रानी का, श्री राधा रानी महल ठीक है लिखा है गाइस। तो गाइस देखिए ये मंदिर पूरा राधा जी का मंदिर, श्री लाडली जी महाराज बरसाना। तो क्या बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, और देखिए नीचे का नज़ारा बहुत ही ऊंचाई पर मंदिर है, 108 पेड़ी से भी ज़्यादा पेड़ी है। कितनी पेड़ी आप याद पता है ना। तो चलिए गाइस हम दर्शन करने चलते हैं राधा रानी के। जय हो, इधर घूमेंगे। राधे राधे, क्या बात है, जय हो राधा रानी की। राधे राधे राधे, अंदर फोटो अलाउ है या नहीं वो देखना पड़ेगा राधे रानी का। ओ माय गॉड, तो ये आ चुके हैं गाइस राधा रानी के मंदिर। राधे राधे। तो गाइस मंदिर में फोटो खींचना बिल्कुल अलाउ नहीं है, देखिए मंदिर। जय हो, और अभी पर्दा लग चुका है राधा रानी, दरवाज़ा बंद हो चुका है। जय हो राधे राधे, और देखिए कितनी पब्लिक आई है गाइस। तो शब्द लिखा हुआ है कि मंदिर में फोटो खींचना अलाउ नहीं है, देखिए, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस। गाइस कितना बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर राधा रानी के मंदिर में बिल्कुल फोटो अलाउ नहीं है। तो ये से नहीं, जो राधे राधे गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं आपको। और यहाँ पर ज़रूर आए आप बरसाना घूमने यार, राधा रानी की जन्मभूमि है। और इस मंदिर में तो ज़रूर आए, बहुत ऊंचा मंदिर बना हुआ है राधा मैया का, लाडली राधा मैया। जय हो जय हो जय हो जय हो, क्या खूबसूरत लग रहा है। क्या बताऊँ, मतलब मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं यहीं रुक जाऊँ, यहाँ से कहीं जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल मतलब ऐसा मंदिर बना हुआ है, और आप ऊपर चले आओगे तो जन्नत, मतलब स्वर्ग का स्वर्ग है गाइस, स्वर्ग। तो गाइस बस अंदर अलाउ नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए राधे राधे गाइस, पर्दा बंद है अभी, ठीक है गाइस, राधे राधे। Thank you.
तो गाइज आप जब परिक्रमा शुरू करेंगे तो यहाँ पर मंदिर आएगा, ठीक है, तो भोली गोपी रास्ते में ये मंदिर आएगा राधा रानी की सखी का। तो चलिए हम अंदर दर्शन करते हैं, राधे राधे। तो गाइस ठाकुर श्री चित्रा निकुंज बिहारी बिहारिणी जू ये मंदिर का नाम है। ठीक है, यहाँ पे भजन चल रहे गाइस, जो राधे राधे। अच्छा लगा, यहाँ पे ही भजन चल रहे हैं और यात्रा थोड़ी सी आगे निकल चुकी है तो मुझे जाना है। देखिए यहाँ से यात्रा तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो राधे राधे गाइस, फिर अभी आगे मिलता हूँ, अभी तो मुझे भी नाचना डांस करना है गाइस, बहुत इच्छा हो रही है कि डांस करूँ अभी। तो चलिए देखिए अभी यात्रा आगे गौशाला है और यहाँ पर दोहिनी कुंड है, तो हम दोहिनी कुंड चलते हैं। तो राधे राधे, ए दोहिनी कुंड चलो, राधे राधे। दोहिनी कुंड तक पहुंच चुके हैं और ये परिक्रमा पे ही देखे गाइस पहाड़ पर्वत। दोहिनी कुंड यहाँ पर, दोहिनी कुंड देखते हैं अंदर क्या है। आहा, क्या बात है, जय हो। तो गाइस हम कुंड चल रहे हैं अभी, दोहिनी कुंड। क्या गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है यार, और वीरान है, मतलब परिक्रमा राधा रानी के दरबार आ चुके हैं ना, तो काफी अच्छा लग रहा है यार गाइस। और धर्म स्थलों पर जाओ ना तो गाइस बहुत ही मतलब उसमें मगन हो जाता हूँ मैं तो, हर जन मुक्त, मतलब कोई परेशानी नहीं है। और सब्सक्राइबर बढ़ने को बढ़ जाएंगे प्रभु की कृपा से। और अगर गाइस देखो आप लोगों की है, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा और जगह जगह जा पाऊंगा। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डाल देता हूँ, काफ़ी लोग के फ़ोन भी आए मेरे दोस्तों के कि यार आज तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डाल देता हूँ। तो गाइस इसलिए मैं जल्दी वीडियो डालता हूँ ताकि मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है उसमें मतलब वो ज़्यादा फुल हो जाती है फ़ोन की मेमोरी, तो उसमें स्पेस बचता है नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। जैसे अभी मैं वृंदावन में हूँ, तो वृंदावन में इतनी सारी मैंने वीडियो बना ली है, तो एडिट करते करते तुरंत एडिट करता हूँ फिर तुरंत डालता हूँ गाइज, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डालता हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए वीडियो को, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइज ये है दोहिनी कुंड, तो गाइज ये दोहिनी कुंड है। क्या बात है यार, इधर तो मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है यार, शांति मिल रही है। और देखिए पहाड़ी पर मंदिर, जय हो राधा रानी की जय हो।
तो चलिए गाइज अभी हम चल रहे हैं कि वापस से परिक्रमा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो परिक्रमा तो चल ही रही है गाइज, और काफ़ी इंजॉय लग रहा है, आप लोगों को भी देख के अच्छा लग रहा है ना गाइज, तो प्लीज़ भजन बजाइए और खूब नाचिए। मैं अकेला ही खुश रहता हूँ गाइज, और कोई साथ में भी होगा तो भी खुश रहता हूँ। परिक्रमा में गौशाला है, बता हर कोने में गौशाला है, गौशाला। देखिए गाय गाइज, देखिए मच्छरदानी लगी है, कोई मच्छर ना जाए अंदर। मच्छरदानी इसलिए लगा है कि मच्छर ना जाए। तो गाइज मुझे परिक्रमा करके बहुत 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 खुश हुई है यार, आप लोग भी अगर बरसाना आए तो परिक्रमा जरूर करें गाइज, और ऐसी परिक्रमा मिल जाए आपके भाग्य में तो क्या बात है। ठीक है, तो हमारे भाग्य में तो मिल गई है गाइस, और ये मुनी इधर आ, मुनी बाबा, तो ये मुनी दोस्त और ये रोशन दोस्त, ये ना कहीं